बाराबंकी मुख्यालय पर कतारों में एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दे रहे। ये लोग किसी मंदिर का प्रसाद लेने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि इन सभी लोगों के मन में एक ही धुन सवार है कि जल्दी से जल्दी उनके हाथों में शराब की बोतल आ जाए। इस धुन के लिए ये लोग भूल गए हैं कि ये दौर महामारी का है और इससे बचाव करना उनकी जिम्मेदारी है। सरकार ने जहां लोगों से कम 6 फीट की दूरी बनाने के लिए कहा है, वहीं ये शराब के शौकीन लोग आधा फीट की दूरी का भी पालन करने को तैयार नहीं। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने शराब की दुकानें खुलवाकर काफी अच्छा काम किया है, इससे गांजा, अफीम, भांग और चरस की ओर भाग रहा आदमी शराब की तरफ मुड़ जाएगा और स्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। शराब के सेवन से उन्हें रात में अच्छी नींद और दिन में ज्यादा काम करने में बल मिलेगा। जब हमने शराब के शौकीन से बात की तो उन लोगों ने बताया कि शराब की दुकान खुलवाकर सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, इससे स्थितियां जल्द ही सामान्य हो जाएंगी। दुकानों के खुल जाने से उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है और उसके सेवन से और अच्छा हो जाएगा। वहीं लोगों ने बताया कि कोरोना को भगाने का शराब एक कारगर तरीका है, इसके लिए सरकार ने दुकानें खोलने का आदेश पारित किया। इसके सेवन से उन्हें रात में नींद भी अच्छी आएगी और दिन में काम भी ज्यादा होगा और ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी। कुछ शराब के शौकीनों को इस बात का मलाल है कि सिर्फ अंग्रेजी शराब की दुकानें खुली हैं, जो काफी महंगी हैं। अगर देशी शराब की दुकान भी खुल जाती तो गरीब आदमी भी राहत महसूस करता। इसका ठेके खुलने इतने दिन के बाद, ये ठेके अगर खुलते ना तो आदमी की फीलिंग होने लगती, हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैर हटने लगते हैं और रात में नींद नहीं पड़ती है। अच्छा, शराब ना पीने से? हाँ, जिसे जो ज़्यादा पीता है और जिसकी एक लिमिट है वो अलग की बात है। अच्छा, हाँ, खुल गए ठेका, कितनी राहत मिली है आपको? अगर अभी तो देसी वाला खुला नहीं, इंग्लिश वाला खुल गया है, तो अभी ये खुल जाए तो पता चले, राहत तो मिलेगी सर। कितनी खुशी है? अरे बहुत होती है, खुशी है कि अब थोड़ा सा मिल रहा है। इतने दिनों से बंद था, क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें तो थी, थोड़ा सा रात को नींद नहीं आती, बाकी सब ठीक है, एडजस्टमेंट ठीक रहता है। Okay.